मॉर्निंग स्टूडेंट्स विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर योर are एग्जाम्स आर ओवर आई होप दैट यू मस्ट well वेल इन एग्जाम सो नाउ लेट्स कम बैक टू आर वर्क सो टुडे इन दिस वीडियो विल स्टार्ट वॉल्यूम वैसे तो वॉल्यूम का इंट्र, इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोगों को पहले ही चला गया था आपके पीरियडिक एग्जाम के पहले ही चला गया था लेकिन फिर से आज हम वॉल्यूम स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम होता क्या है व्हाट इज़ वॉल्यूम ये किसी म्यूजिक का वॉल्यूम नहीं है इट इज द स्पेस इन साइड द सॉलिड कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर की स्पेस को ठीक है कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर की स्पेस को वॉल्यूम कहते हैं ठीक है द स्पेस इन साइड द सॉलिड इज नोन एज वॉल्यूम अभी आप लोग को सिर्फ पढ़ना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉय एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉय होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड इंटू साइड इंटू साइड बिकॉज ऑल द साइड्स ऑफ क्यूब आर इक्वल सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड एंड वॉल्यूम ऑफ की इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लेकिन जब भी हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे ये चीज़ जरूर नोटिस कीजिएगा ये चीज़ जरूर ध्यान में रखिएगा कि जो भी आपका डायमेंशंस रहे लेंथ ब्रेथ हाइट ये सब एक ही यूनिट्स में रहने चाहिए ठीक है अगर लेंथ मीटर में है तो ब्रेथ और हाइट भी मीटर में ही रहना चाहिए अगर ब्रेथ सेंटीमीटर में है तो लेंथ और हाइट भी सेंटीमीटर तो जो तीनों हमारे जो डायमेंशंस है दैट इज़ लेंथ ब्रेथ और हाइट ये तीनों एक ही यूनिट्स में रहने चाहिए ठीक है फॉर्मूला याद रखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज सॉरी इज़ सॉब सॉरी दीज फॉर्मूलाज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ इज फोर्टीन सेंटीमीटर ब्रेथ इज एट सेंटीमीटर एंड हाइट इज ट्वेल्व सेंटीमीटर वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉयड और यहाँ पे देखिए जो तीनों डायमेंशंस है दैट इज़ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों सेंटीमीटर में है तो पहले लिखेंगे हम फार्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता क्या है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉयड पहले फॉर्मूला लिख लीजिएगा ठीक है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लेंथ इज हमच लेंथ इज़ फोर्टीन सेंटीमीटर ब्रेथ इज एट सेंटीमीटर एंड हाइट इज ट्वेल्व सेंटीमीटर फोर्टीन इंटू एट इज़ वन हंड्रेड ट्वेल्व एंड वन हंड्रेड ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व इज वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर्टी फोर वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर्टी फोर यहाँ पर देखिए तीन बार हम सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई किए हैं ठीक है थीके? जब एरिया निकालते थे तो सिर्फ तो दो बार मल्टीप्लाई होता था तो हम लोग स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते लेकिन यहाँ पे कितना बार मल्टीप्लाई हुआ है तीन बार मल्टीप्लाई हुआ है ठीक है तो इसको क्या लिखेंगे सी यू डेट इज क्यूबिक तीन बार हुआ है तो सी यू क्यूबिक सेंटीमीटर और वी कैन राइट इट वन थ्री फोर फोर सेंटीमीटर लिखकर ऊपर ऊपर में थ्री दे देंगे मतलब ये तीन बार मल्टीप्लाई हुआ है इसलिए क्या सेंटीमीटर क्यूब ठीक है सीधा नेक्स्ट एग्जाम्पल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इफ लेंथ इज इक्वल टू फाइव मीटर ब्रेथ इज इक्वल टू टू हंड्रेड फिफ्टी सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू टू पॉइंट टू मीटर लेंथ मीटर में है हाइट भी मीटर में है बट ब्रेथ किस चीज़ में है ब्रेथ सेंटीमीटर में है दो तो मीटर में है लेकिन एक सेंटीमीटर तो क्या करेंगे कि हम लोग इस ब्रेथ को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे ठीक है तो ब्रेथ दिया हुआ है कितना टू हंड्रेड फिफ्टी सेंटीमीटर टू हंड्रेड फिफ्टी सेंटीमीटर तो इसको मीटर में करने के लिए क्या करेंगे डिवाइडेड बाई हंड्रेड तो कितना हो जाएगा ये टू पॉइंट फाइव मीटर सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए क्या करते हैं डिवाइडेड बाई हंड्रेड तो डिवाइडेड बाई हंड्रेड किए तो जीरो जीरो कटा और एक ज़ीरो मतलब एक नंबर का डेसिमल तो क्या हो गया टू पॉइंट फाइव मीटर अब तीनों सेम यूनिट्स से, है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉयड क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉयड इज इक्वल्स टू याद रखिए फॉर्मूला लिखना बहुत ही ज़रूरी है ठीक है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट लेंथ इज फाइव मीटर ब्रेथ हमारा हो गया क्या टू पॉइंट फाइव मीटर एंड हाइट इज टू पॉइंट टू मीटर मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले टू पॉइंट फाइव में पहले फाइव को करते हैं मल्टीप्लाई तो फाइव जर ट्वेंटी फाइव टू कैरी फाइव टू जर टेन टेन प्लस टू ट्वेल्व डेट इज़ ट्वेल्व पॉइंट फाइव अब ट्वेल्व पॉइंट फाइव को किसे मल्टीप्लाई करना है टू पॉइंट टू से मल्टीप्लाई करना है टू फाइव टेन वन कैरी फाइव टू 10, 5, 2, 0, 5, 7, 2. That is, 1 number per decimal, here 1 number per decimal. That is 2 number per decimal. That is 27.50. We can also write it 27.5. E 27.5 meter cube. Or we can write it 27.5 cu m. That is cubic meter. Eh? See the next. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ़ क्यूब इफ़ ईच साइड मजर्स एट सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है जब हर एक साइड दिया हुआ है क्या एट सेंटीमीटर तो पहले क्या लिखेंगे फॉर्मूला लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज़ इक्वल्स टू साइड इंटू साइड इंटू साइड तो साइड कितना दिया हुआ है एट सेंटीमीटर दैट इज एट सेंटीमीटर इंटू एट सेंटीमीटर इंटू एट सेंटीमीटर एट इन टू एट इज सिक्सटी फोर एंड सिक्सटी फोर इंटू एट इज़ फाइव हंड्रेड ट्वेल्व यहाँ क्या हो जाएगा फाइव हंड्रेड ट्वेल्व सेंटीमीटर क्यूब और वी कैन राइट इट फाइव हंड्रेड ट्वेल्व सी यू सेंटीमीटर में है तो सी एम क्यूबिक सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्यूब सी द नेक्स्ट नाउ लेट्स सी फ्यू क्वेश्चंस ऑफ सर्फ प्रैक्टिस एटीन है क्वेश्चन नंबर फाइव क्यूब ऑफ एच हंड्रेड सेंटीमीटर हैज अ सेम वॉल्यूम एज अ क्यूब ऑफ एच वन मीटर एक क्यूब है हंड्रेड सेंटीमीटर का और एक दूसरा क्यूब है वन मीटर का इन दोनों का जो वॉल्यूम है वह दोनों का वॉल्यूम सेम है ठीक है बट द ओनली डिफरेंस इज डैट कि एक जो क्यूब है उसका एच दिया हुआ है हंड्रेड सेंटीमीटर डेट इस साइड दिया हुआ है ईच साइड दिया हुआ है हंड्रेड सेंटीमीटर और एक दूसरे क्यूब का एच दिया हुआ है वन मीटर पर इन दोनों का वॉल्यूम जो है सेम है तो क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर्स मेक वन क्यूबिक मीटर कितना क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर होगा वन क्यूबिक मीटर के ठीक है कितना सेंटीमीटर क्यूब बराबर होगा कि, किसके वन मीटर क्यूब के एक क्यूबॉइड है सॉरी क्यूब है एक क्यूब है कितना हंड्रेड सेंटीमीटर का हर एक साइड कितना है हंड्रेड सेंटीमीटर है एक दूसरा क्यूब है दूसरे क्यूब का लेंथ कितना है वन मीटर ठीक है पूछ रहा है बोल रहा है कि इन दोनों का जो वॉल्यूम है सेम है बट बत बताना है कि कितना सेंटीमीटर क्यूब बराबर है वन मीटर क्यूब के तो क्या पहले क्या करेंगे कि दोनों का हम लोग वॉल्यूम फाइंड करेंगे ठीक है तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब कितना होगा पहले साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब कितना दिया हुआ है साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब इज हंड्रेड सेंटीमीटर डेफोर वॉल्यूम कितना हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब

अब साइड ऑफ बिगर क्यूब कितना दिया हुआ है साइड ऑफ बिगर क्यूब वन मीटर साइड ऑफ बिगर क्यूब वन मीटर देफ फॉर वॉल्यूम कितना हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब इसमें भी साइड इंटू साइड इंटू साइड That is वन मीटर into वन मीटर into वन मीटर इट विल बी वन वन मीटर क्यूब ठीक है वॉल्यूम ऑफ़ स्मॉलर क्यूब आ गया कितना टेन लाख सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ़ बिगर क्यूब आ गया वन मीटर क्यूब यहाँ पे क्वेश्चन था कि कितना सेंटीमीटर क्यूब वन मीटर क्यूब के बराबर है इन दोनों का वॉल्यूम सेम है ठीक है जो स्पेस है दोनों का सेम है पूछ रहा है कि वन कितना सेंटीमीटर क्यूब वन मीटर क्यूब के बराबर है तो टेन लाख मीटर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू वन मीटर क्यूब ये दोनों कितने बराबर हो रहा है टेन लाख सेंटीमीटर क्यूब ठीक है टेन लाख टेन लाख सेंटीमीटर क्यूब मेक्स वन मीटर क्यूब क्योंकि ये दोनों बराबर है तो कितने में बराबर हुआ टेन लाख सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू वन मीटर क्यूब क्योंकि इन दोनों का वॉल्यूम क्या था सेम था ठीक है सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स ब्रिक्स हैव बीन पाइल्ड नियर अ कंस्ट्रक्शन साइट एक कंस्ट्रक्शन साइट है वहां पे ब्रिक्स का ढेर रखा हुआ है पाइल इज फाइव डेसीमीटर वाइड नाइन डेसीमीटर लॉन्ग एंड थ्री डेसीमीटर हाई मतलब ब्रेथ दिया हुआ है फाइव डेसीमीटर ढेर का उसका ढेर है ब्रिक का उसका ब्रेथ uh, है फाइव डेसी मीटर लेंथ है नाइन डेसी मीटर एंड हाइट इज थ्री डेसी मीटर वॉट इज द वॉल्यूम ऑफ पाइल ऑफ ब्रिक्स यू हैव टू फाइन द वॉल ऑफ पाइल ऑफ ब्रिक्स तो पहले लिखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है तो ब्रेथ ऑफ पाइल इज ब्रेथ ऑफ पायल इज फाइव डेसी मीटर दैन लेंथ इज लेंथ इज इक्वल्स टू नाइन डेसीमीटर एंड हाइट इज इक्वल्स टू हाइट इज थ्री डेसीमीटर मीटर यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम फॉर वॉल्यूम क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जब लेंथ है ब्रेथ है हाइट है तो कौन सा फिगर बन रहा है क्यूबॉइड बन रहा है तो का वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट एंड दिज ऑल यूनिट्स आर इन दिज ऑल डायमेंशन आर इन सेम यूनिट तीनों क्या है डेसी मीटर में है इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करेंगे तो लेंथ कितना है नाइन डेसी मीटर ब्रेथ इज फाइव डेसी मीटर और हाइट है थ्री डेसी मीटर इज़ नाइन इंटू फाइव इज फोर्टी फाइव एंड फोर्टी फाइव इंटू थ्री इज 135 135 decimeter cube i hope students you have understood these questions and your homework will be that you'll be solving exercise 18a question number 1 to 10 in your copy that's all for today thank you